बारिश के मौसम में सुबह नाश्ते में कुछ चटपटा खाने मिल जाए तो दिन की शुरुआत और भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फूली फूली आलू की कचौड़ी और एकदम चटपटा आलू का झोल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर फॉलो करें जिससे आप एकदम परफेक्ट रेसिपी घर पर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम डालेंगे 1 कप जितनी मैदा, साथ ही डालेंगे 1/2 कप जितना गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसे सिर्फ मैदा या सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, पर दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 1/2 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक। नमक डालकर इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना ऑयल। ऑयल हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही ऑयल डालेंगे और ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल एकदम परफेक्ट है। इसमें ज़्यादा ऑयल डालने से कचौड़ियाँ जो हैं वो खाने में ज़्यादा ऑयली लगती हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा जितना सॉफ्ट होगा उतनी ही आपकी कचौड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी और उसमें आलू की फिलिंग भरते समय वो खुलेंगी नहीं। तो कचौड़ी के लिए आटा एकदम सॉफ्ट लगाएं आप। तो यहाँ मैंने आटा लगा कर तैयार कर लिया है। अब आप इस आटे को चाहे तो किसी भी गीले कपड़े से कवर करके रखिए, अदरवाइज़ आप इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दें जिससे क्या होगा आटे के ऊपर पापड़ी नहीं पड़ेगी जिससे कचौड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी। अभी हम इस आटे को कवर करके कम से कम 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। तब तक हम आलू का झोल बना लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच जितना ऑयल। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। इसमें मैंने 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी ली है। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच जितना जीरा और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है। अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं इसे बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें लहसुन प्याज डाल सकते हैं इस स्टेज पर। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता। अच्छी खुशबू के लिए डालेंगे 1 चुटकी जितनी हींग। सभी चीज़ों को एकदम धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे जिससे खड़े मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो ऑयल में बहुत ही अच्छे से रिलीज होगा। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सभी मसालों को हल्का सा भूनेंगे। मसाले भूनते समय गैस के फ्लेम को एकदम धीमा रखें। अब मैंने यहाँ पर 2 टमाटर को एकदम बारीक पीस लिया था, इसे भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को एकदम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से पकने देंगे जब तक टमाटर से जो ऑयल है वो एकदम अलग रिलीज ना होने लगे, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हमारे सभी मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के आलू जिसे मैंने बॉईल करके हल्का सा मैश कर लिया था। साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच जितना आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर आलूओं के साथ डालने से सब्जी में कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे बाद में भी डाल सकते हैं। अब हम इन आलूओं को एकदम धीमी धीमी आँच पर 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आलू को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मेरे घर में सभी को कचौरियों के साथ सब्जी थोड़ी थिक पसंद है, इसीलिए मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी का रेशियो बढ़ा भी सकते हैं। अभी हम इसे मिक्स कर देंगे और मीडियम आंच पर सब्जी को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पैन में डालेंगे 1 चम्मच जितना ऑयल। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है। साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच जितना जीरा। अच्छी खुशबू के लिए डालेंगे 1 चुटकी जितनी हींग और साथ ही डालेंगे 3 से 4 मीठे नीम के पत्ते। अगर आपके पास हैं तो डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को एकदम धीमी धीमी आँच पर भून लेंगे। सभी चीज़ों को भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे जिसमें मैंने ली है 1 चुटकी जितना हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक,
एक चुटकी जितना गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच जितना आमचूर पाउडर, जिससे कचौड़ियों में बहुत ही अच्छा खट्टा टेस्ट आता है। और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जितना बेसन। बेसन डालने से कचौड़ियाँ बहुत ही परफेक्ट बनती हैं और आलू में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता है, जिसकी वजह से कचौड़ियाँ जो हैं वो बेलते समय या फ्राई करते समय खुलती नहीं हैं। तो अब हम इस पूरे बेसन को एकदम धीमी धीमी आँच पर मसाले के साथ 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बेसन को जब तक धीमी धीमी आँच पर भूनेंगे जब तक कि बेसन का कच्चापन ना चला जाए, अदरवाइज़ कचौड़ियों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। सभी आलूओं को डालने के बाद डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलूओं को हल्का सा प्रेश करते हुए इस तरीके से मैश करेंगे। इसमें आलू के पीसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ कचौड़ियाँ जो है वो बेलते समय खुलने लगेंगी। तो यहाँ मैंने पूरे आलू के मसाले को अच्छे से मैश कर लिया है और आप देख सकते हैं सभी मसाले आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो सबसे लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे। इस तरीके से बनाई हुई स्टफिंग बहुत ही टेस्टी लगती है। नॉर्मली जब भी हम मार्केट में कचौड़ियाँ खाते हैं तो उसमें इसी तरीके से फ्राई करके आलू की स्टफिंग डाली जाती है, जिससे कचौड़ियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इस पूरी स्टफिंग को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे। कभी भी गरम गरम स्टफिंग को आपको कचौड़ियों के अंदर नहीं भरना है। तो इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं रूम टेम्परेचर पर। अब हम अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ सब्जी को पकते हुए भी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सब्जी अच्छे से पक कर तैयार है। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा, यानी एक चुटकी जितना गरम मसाला, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया। तीनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इस स्टेज पर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पूरी सब्जी को एक अलग मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस सब्जी को आप पूरी पराठे या किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। सभी चीज़ों के साथ इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बट इन आलू की कचौड़ियों के साथ ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो प्लीज़ आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। सबसे लास्ट में इसमें 1 से 1.5 चम्मच जितना दही डालकर मिक्स कर देंगे और बस इस सब्जी को रूम टेम्परेचर पर इसी तरीके से अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब तक सब्जी ठंडी हो रही है तब तक हम अपने आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं मैंने कितना सॉफ्ट आटा लगाया है। अब हम इस आटे की छोटे छोटे साइज़ की लोइयाँ तोड़कर तैयार करेंगे। जितने साइज़ की हम घर पर चपाती बनाते हैं सेम उसी साइज़ की छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे इसकी। अब हम इसमें से एक लोई लेकर हल्का सा गोल करेंगे और इसे हाथों से फैलाकर बड़ा कर लेंगे, जिसमें हमें स्टफिंग को फिल करना है। तो अभी जो हमने आलू की स्टफिंग ठंडी करने की रखी थी उसमें से थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और इसकी गोल बॉल बनाकर तैयार करेंगे इस तरीके से। इस स्टफिंग को इसमें फिल करेंगे और सभी साइड से इस तरीके से हल्का हल्का दबाकर लॉक करते जाएंगे। इसे बंद करते समय इसमें जो भी एक्स्ट्रा आटा है ऊपर, आप चाहें तो उसे इस तरीके से हटा सकते हैं और हाथों से दबाकर इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे और ये हमारी कचौड़ी के लिए लोई तैयार है। अब आप चाहें तो इसे बेलन की सहायता से बेल सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरीके से हाथों से हल्का सा बड़ा करें। इसे बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बस इस तरीके से हल्का बड़ा करेंगे और इसे गर्म गर्म ऑयल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम अपनी बाकी सभी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी मैं आपको इसे बेल कर दिखाती हूँ, बस हल्का सा इस तरीके से बेलेंगे। और अभी जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी उसे फिल करेंगे। हल्का हल्का घुमाते हुए इस तरीके से कचौड़ी को लॉक करेंगे, इससे कचौड़ी जो है वो खुलती नहीं है। ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे, इस तरीके से कचौड़ी बनाएंगे तो कभी भी आपकी कचौड़ी बेलते समय खुलेंगी नहीं और ना ही ऑयल में जाने के बाद खुलेंगी। तो बस हल्के हल्के हाथ से इसे इस तरीके से बेल लें, ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं बेलना है, अदरवाइज स्टफिंग जो है वो बाहर आ जाएगी।
तो बस इसे भी अभी हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। कचौड़ी फ्राई करते समय ऑयल का जो टेम्परेचर है वो एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा ठंडा हुआ तो कचौड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा ऑयली बनेंगी, और अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो कचौड़ियों का कलर एकदम से चेंज हो जाएगा और वो अच्छी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। इसलिए आपको एकदम मीडियम आँच पर और मीडियम गर्म ऑयल के अंदर से फ्राई करना है। जब कचौड़ियाँ एक साइड से सिक जाएंगी तो इसे पलट देंगे और इसी तरीके से मीडियम आँच पर दोनों साइड से अच्छा कलर चेंज होने तक सिकने देंगे। कचौड़ियों को थोड़े थोड़े टाइम बाद पलटते रहें इस तरीके से। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट एकदम फूली फूली कचौड़ियाँ बनी हैं। अगर आपकी कचौड़ियाँ ऑयल में घुलेंगी नहीं तो इसी तरीके से एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो ये हमारी सभी कचौड़ियाँ अच्छे से सिक कर तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसमें, क्योंकि हमने इसे एकदम मीडियम आँच पर सेका है, जिसकी वजह से कचौड़ियों में बहुत ही अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आया है। तो बस सभी कचौड़ियों को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से झारे में निकालने से इसमें जितना भी एक्सेस ऑयल है वो भी नहीं रहता है। अब हम इन कचौड़ियों को गर्म गर्म सर्व करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एकदम टेस्टी टेस्टी फूली फूली कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। इन कचौड़ियों को हम अपने आलू के झोल के साथ सर्व करेंगे। एक बार आप इस तरीके से ये आलू की कचौड़ियाँ और झोल बनाकर खा लेंगे तो यकीन माने आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं, क्योंकि हमने इसे मैदा और आटे से बनाया है तो ये काफ़ी हेल्दी भी हैं। आप अगर इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहती हैं तो आप इसे सिर्फ आटे के साथ बना सकती हैं। तो आज की मेरी सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।